everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Realty 360 Degree. दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक लो राइज अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, वो भी एक अच्छे बिल्डर का एंड नियर टू प्रोडक्शन सेगमेंट का। तो आज की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं आपको बताया, वो एक लो राइज प्रॉपर्टी है एंड काफी शानदार प्रॉपर्टी है। फिलहाल मैं उसी प्रॉपर्टी के कमर्शियल एरिया के बाहर खड़ी हूँ। एस्पायर प्लाजा है प्रॉपर्टी का, आप नाम समझ चुके होंगे जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्लस आप इसका ये कमर्शियल एरिया देखें तो ये आपका ऑपरेशनल कंडीशन में है। काफी सारे यहाँ पे शॉप्स हैं, सारे आपके डेली नीड्स का सामान इनमें मिल जाएगा। एंड फर्दर अब मैं आपको प्रोजेक्ट के पास लेकर जाऊंगी और सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिविटी एंड लोकेशन समझेंगे। गाइस अभी मैं प्रोजेक्ट के बाहर खड़ी हूँ। प्रोजेक्ट हमारा है निराला एस्पायर होम्स एंड इसके बिल्डर है निराला इंडिया परिवार। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बता दूँ तो ये रहेगी नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 16B। यहाँ से हम प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी समझे तो आप देखिए सेक्टर रोड पर प्रोजेक्ट है, फ्री साइड ओपन प्रॉपर्टी है एंड यहाँ से आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। एक मूर्ति बहुत ही नजदीक है, गौर चौक की हम बात करें तो वो अराउंड यहाँ से 4 से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। प्लस ये पीछे जो आपका रोड जाता है ये फर्दर आपका NH24 के साथ भी कनेक्ट करता है। नोएडा यहाँ से नजदीक है, आपको यहाँ से ग्रेटर नोएडा की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। एंड अगर हम नियर बाय हॉटस्पॉट एंड प्लेसेस की बात करें तो स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो यहाँ पर आपको इस लोकेशन पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही साइड में, बिल्कुल सामने आप देखें तो यहाँ पर 3 मेजर स्कूल्स मिल जाते हैं जो कि ऑपरेशनल कंडीशन में है। सबसे पहले अगर मैं इस वाले स्कूल की बात करूँ तो ये आपका SKS वर्ल्ड स्कूल है, जिसके नेक्स्ट विक्रम स्ट्रीट स्कूल है एंड आपका आगे जाके BLS स्कूल है। प्लस आपको मॉल्स की मैं बात करूं तो आपको प्रोजेक्ट के विसिनिटी में अराउंड 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर अराउंड 15 मॉल्स मिल जाते हैं, बोथ ऑपरेशनल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज वाले। गौर मॉल की हम बात करें, गौर सिटी मॉल, तो वो अराउंड अगेन आपके 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। कैलाश हॉस्पिटल यहाँ से अराउंड 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। सर्वोदय हॉस्पिटल जो है वो भी अगेन आपका 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। यथोल हॉस्पिटल भी आपको यहाँ से नजदीक मिल जाता है। तो एक अगर हम ओवरऑल देखें तो आप देखिए तो काफी अच्छा वेल डेवलप्ड एरिया है, काफी सारे यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर यू नो ऑपरेशनल कंडीशन में मिल जाता है एंड ओवरऑल एक पीसफुल लोकेलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, काफी ओपननेस यहाँ पर है। तो मैं बाहर की चीजें तो आपको बहुत सारी दिखा चुकी हूँ गाइस, अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलती हूँ, इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करते हैं प्लस यहाँ का जो सैंपल अपार्टमेंट है उसका भी टूर करेंगे। गाइस हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं तो ये एक 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लो राइज अपार्टमेंट्स ही रहेंगे। अपार्टमेंट्स आपके G+4 के कॉन्सेप्ट पर रहेंगे एंड यहाँ पर अपार्टमेंट में आपको 2 साइजेस मिल जाते हैं, सिर्फ 3 BHK की यूनिट्स ही रहेंगी 1596 एंड 1579 स्क्वायर फीट के साइजेस में। प्लस आपको यहाँ पर काफी ज्यादा ओपन एरियाज मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट में आपको 6.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन एरिया मिल जाता है, ये आपका निराला एस्पायर एंड लो राइज अपार्टमेंट्स दोनों का कॉमन ग्रीन एरिया रहेगा। उसके अलावा 2 यहाँ पर क्लब हाउस है, एक ऑपरेशनल कंडीशन में है एंड एक आपका अभी आपको डिलीवर किया जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। आपका जो सेकंड क्लब हाउस है वो आपका 22,500 स्क्वायर फीट के साइज में रहेगा एंड इसके अंदर आपकी सारी अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी, सारे इंडोर गेम्स आपके प्रेजेंट रहेंगे, कैफेटेरिया रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा एंड उसके अलावा एक गेस्ट अपार्टमेंट भी रहेगा। साथ ही साथ आपके आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया के लिए भी यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेसेस भी रहेंगे। एंड गाइस अभी मैं ये अपार्टमेंट के लॉबी एरिया के बाहर खड़ी हूँ तो आप देखिए हर एक अपार्टमेंट के लॉबी एरिया आपका ग्राउंड फ्लोर पर कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर रिसेप्शन एरिया रहेगा एंड जो भी आपके काम हम देखते हैं फॉल सीलिंग ऑल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड ये सारी चीजें आपकी सेम एज इट इज रहेंगी। एंड इधर आए आपको एक और अच्छी चीज यहाँ पर दिखाती हूँ, बाकी टाइटल देखिए इस इसने ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पे लाइट्स लगेगी प्लस आप देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास भी इन्होंने प्लांट की हुई है एंड ये एरिया आपका पूरा एक कॉमन एरिया हो जाएगा। यहाँ पर यू नो आप चाहे तो इंडोर प्ले एरियाज यहाँ पे कैरम एंड ऑल खेल सकते हैं या फिर कीर्तन वगैरह कोई भी छोटी मोटी गैदरिंग है तो उसके लिए आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आपके सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स हैं, बाकी ऊपर के फ्लोर्स पर आपके 1 फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे। तो हमारा जो सैंपल अपार्टमेंट है वो ऊपर के फ्लोर पर है, तो चलो मैं आपको सैंपल अपार्टमेंट में लेके चलती हूँ।
एंड गाइस अभी मैं सैंपल अपार्टमेंट के लॉबी एरिया में खड़ी हूँ। आप ये लॉबी एरिया देख सकते हैं, काफी अच्छी लॉबी एरिया यहाँ पर आपको मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्लोर पर आपके चार अपार्टमेंट रहेंगे, तो दो अपार्टमेंट रहेंगे आपके उस एंड पर एंड दो अपार्टमेंट रहेंगे हमारे इस एंड पर। साथ ही साथ आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिल रही है, तो यहाँ पर आपकी लिफ्ट रहेगी। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक 3 BHK का सैम्पल अपार्टमेंट। इसका साइज रहेगा 1596 स्क्वायर फीट एंड ये रहेगा इसका मेन एंट्रेंस डोर। हम अपार्टमेंट के अंदर जाएं उससे पहले मैं आपको एक और एक अच्छा फीचर बताने वाली हूँ इस अपार्टमेंट का, तो वो ये है कि ये आपका डिजिटल लॉक के साथ रहेगा। जी हाँ, आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको डिजिटल लॉक मिल रहा है, तो आप इसे पिन के साथ एक्सेस कर सकते हैं, आप इसे कार्ड के साथ एक्सेस कर सकते हैं, प्लस थंब के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड चलिए अब हम अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। गाइस मैं अपार्टमेंट के अंदर आ चुकी हूँ। अपार्टमेंट के बारे में आपको बता दूं तो आपको ये रॉ अनपॉलिश्ड फ्लैट्स मिलेंगे, यानी कि आप यहाँ पर जो वॉलपेपर्स देख रहे हैं ये इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। सो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप आ जाते हैं यहाँ के लिविंग एरिया में। सो दिस इंटायर स्पेस इज योर लिविंग स्पेस। यहाँ के आप टाइलिंग देखें तो टाइलिंग आपकी सेम आदर्श रहेगी एंड काफी अच्छी यहाँ पे टाइलिंग यूज की गई है, इटालियन आपकी टाइलिंग रहेगी। प्लस आपको लिविंग एरिया में बालकनी भी मिल जाती है, तो आप ये बालकनी देखें काफी ज्यादा आपको अच्छी लेंथ में ये बालकनी मिल रही है। प्लस दिस इज अ रनिंग बालकनी एंड अ कॉमन बालकनी, ये आपकी फर्दर एक बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। एंड आप बालकनी से व्यू देखें तो आपको यहाँ पर लो राइज का व्यू मिल रहा है, तो ये आपका सेम ऐसा व्यू रहेगा। प्लस बीच में आपको ग्रीन एरिया भी यहाँ पे डेवलप करके दिया जाएगा। कमिंग आप इनसाइड, तो ये स्पेस रहेगा आपका डाइनिंग का स्पेस, तो यहाँ पर आप यू नो इजली 6 सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी एक बालकनी मिल रही है, क्रॉस वेंटिलेशन काफी ज्यादा अच्छा होगा। इस तरफ आपको बालकनी मिल रही है, इस तरफ आपको बालकनी मिल रही है। एंड बालकनी का साइज भी आप देखिए काफी डिसेंट साइज है, ये बहुत ही अच्छा साइज है अपार्टमेंटों को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देख सकती हूँ कि यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम है, इसके अंदर हम आए देखिए तीन काफी अच्छे साइज में आपको यहाँ पर कॉमन वॉशरूम मिल रही है, सारी फिटिंग्स के साथ आपको मिलेगी। प्लस स्टाइलिंग भी आप देख सकते हैं, सेम आज स्टाइलिंग आएगी। एंड उसी के साथ हम बेडरूम नंबर 1 में एंटर कर चुके हैं, ये आपकी कॉमन वॉशरूम के साथ, इसे आप ये आपको कॉमन वॉशरूम इसी रूम से एक्सेस हो सकता है। प्लस ये बालकनी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि ये आपकी रनिंग बालकनी है, यहाँ पर आप अपना वार्डरोब का स्पेस बना सकते हैं। एंड बेडरूम नंबर 1 के बिल्कुल ही ऑपोजिट यहाँ पर रहेगी आपकी किचन। किचन भी काफी ज्यादा प्यारी किचन है, आप देखिए ये ड्राइव एरिया रहेगा, ये आपका वेट एरिया रहेगा, प्रॉपर यहाँ पर यू नो सारे कैबिनेट्स हैं। एंड मतलब लोडिंग का स्पेस काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं, रख सकते हैं। स्विचेस यहाँ पे प्रॉपर आपको काफी सफिशिएंट स्विचेस दिए गए हैं, यहाँ पर 2 हैं, वहां पर 2 हैं। प्लस आप देखें तो यहाँ पर यूटिलिटी एरिया भी मिल रहा है आपको, तो ये रहेगा आपका यूटिलिटी एरिया, यदि आपका यू नो फर्दर एक बेडरूम के साथ कनेक्टेड आपको मिल जाता है, उसे हम बाद में बताएं चेकआउट करेंगे। एंड किचन से हम आगे आए तो इसी के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका सेकंड बेडरूम। तो ये सेकंड बेडरूम है, यहाँ की फ्लोरिंग आप देख सकते हैं सेम आदर्श फ्लोरिंग रहेगी, प्लस साइज भी काफी ज्यादा डिसेंट है। एंड ये आपकी यहाँ पर एक बालकनी मिल जाती है, किचन के साथ आपकी ये बालकनी कॉमन है। एंड उसके अलावा यहाँ पर रहेगी एक अटैच वॉशरूम, वॉशरूम काफी डिसेंट साइज में है एंड इनफैक्ट काफी वेल लिट भी है, क्योंकि वहां पर एक आपको विंडो भी मिल जाती है। एंड फर्दर इसी के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग रहेगा बेडरूम नंबर 3 एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम, ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस साइज में है। आप देखिए तो यहाँ पर स्विचेस हैं, दोनों तरफ यहाँ पर भी प्रॉपर स्विच है, यहाँ पर आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर यू नो एक वार्डरोब अपने इंस्टॉल करा सकते हैं। प्लस इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको एक प्राइवेट बालकनी मिल जाती है। एंड बालकनी से व्यू देख पाते हैं आपको यहाँ पर मेन रोड का व्यू मिल जाता है, सामने 3 स्कूल है
तो मतलब अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, सामने आप इन्हीं स्कूल में 3 दिन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर बेडरूम में भी एक अटैच वॉशरूम मिल रही है। इन टोटल इस अपार्टमेंट में आपकी 3 वॉशरूम्स हैं, 3 बेडरूम के साथ अपार्टमेंट है, टाइलिंग आपको प्रॉपर मिल रही है एंड काफी स्पेशियस अपार्टमेंट है। कई अगर आप निराला इंडिया परिवार में अपना एक लो राइज फ्लैट बुक करते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं एंड वो बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें आपको मिल जाता है फॉल सीलिंग विद सीलिंग लाइट्स फ्री, क्लब मेंबरशिप, ईसी एंड एफएससी चार्जेस फ्री, इंटीकॉम एंड वन टाइम कनेक्शन चार्जेस फ्री, एफएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस फ्री, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग इन एंटायर फ्लैट, पावर बैकअप ऑफ 1 kVA, फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन चार्जेस एंड ऑल ऑफ दिस चार्जेस आर कंप्लीटली फ्री। यानी कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप यहां पर एक लो राइज फ्लैट बुक करते हैं तो आप कितना बड़ा अमाउंट अपना बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। गाइस, पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 317 यूनिट्स ही सेल के लिए, जिसमें से काफी सारी यूनिट्स अभी सेल ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहां पर अभी एट प्रेजेंट अराउंड 8,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, बट गाइस इन फ्यूचर ये रेट चेंज भी हो सकता है। सो अगर आप यहां पर अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप अभी आइए, क्योंकि फ्यूचर में रेट्स बदल जाएंगे एंड प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड लो राइज अपार्टमेंट की यू नो कैटेगरी बहुत रेयरली मिल पाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लो डेंस प्रोजेक्ट है, काफी अच्छी लोकेशन पर सिचुएटेड है, सामने ही आपको 3 स्कूल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में भी खुद का एक स्कूल है, किड स्कूल है तीर्थन पॉड्स के नाम से एंड खुद का कमर्शियल एरिया भी है। सो काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, काफी सारी आपको ग्रीनरी यहाँ पर मिल जाती है, काफी ज्यादा खुला खुला एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है, वॉकिंग एरियाज प्रॉपर है। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी डील होगी अगर आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं तो जल्द से हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड इसी के साथ साथ आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।